हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो आज के अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं कि कैसे अपने एंड्रॉयड ऐप में हम फायरबेस ऑथेंटिकेशन का फॉरगेट लिंक भेजेंगे ईमेल में। तो मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया है कि कैसे आप लॉगिन कर पाएंगे और साइन अप कर पाएंगे, तो ये वाले में हम फॉरगेट को देखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले अपने एंड्रॉयड स्टूडियो को ऑन कर लेते हैं और एक नई एक्टिविटी बनाते हैं। उसका नाम रख देंगे फॉरगेट पासवर्ड एक्टिविटी। ठीक है, तो यहाँ पे हम सबसे पहले अपने लॉगिन वाले एक्टिविटी में जाएंगे। मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे लॉगिन वाले एक्टिविटी में जाने के बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे कि मैंने एक पासवर्ड फॉरगेट का टेक्स्ट वहाँ पे लिखा हुआ था, तो यहाँ पे हम उसी पे क्लिक लिस्टनर लगा देंगे और फॉरगेट पासवर्ड वाली एक्टिविटी में चले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं जल्दी से काम कर लेता हूँ इंटेंट वाला। अब हम अपने फॉरगेट पासवर्ड वाले में चलेंगे। यहाँ से मैं ईमेल वाले एडिट टेक्स्ट को कॉपी कर लेता हूँ और ले जाके अपने यहाँ पे पेस्ट करेंगे। सबसे पहले इसको रिलेटिव लेआउट में चेंज कर लेता हूँ और यहाँ पे इसको लाके पेस्ट कर देंगे। और ये थोड़ा देखने में अच्छा लगे, इसके लिए पैडिंग दे देंगे इसको 10 dp की। अब ये थोड़ा ठीक लग रहा है। अब इसके नीचे ही जस्ट हम एक बटन देंगे और इसकी हाइट को 55 dp कर देंगे। और यहाँ पे हम टेक्स्ट दे देंगे सेंड लिंक, और यहाँ पे हम इसको भी लोड कर देंगे किसके ईमेल्स के साथ। तो ये नहीं होगा, तो हम इसमें टेक्स्ट इनपुट लेआउट का एक आईडी दे देते हैं। उसकी आईडी TIL दे देते हैं और फिर उसके बाद हम इसको यहाँ पे पास कर देंगे तो हमारा इसके बिलो आ जाएगा। ठीक है, मार्जिन टॉप कर देते हैं 10 dp यहाँ पे। ठीक है, ये थोड़ा देखने में अच्छा लग रहा है और एक प्रोग्रेस बार ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपने प्रोग्रेस बार की विजिबिलिटी जो है डिफ़ॉल्ट गॉन रखिएगा। मैं करना भूल गया हूँ, तो आप रख लीजिएगा विजिबिलिटी गॉन इसकी। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ। तो इतना ज़्यादा आप लेआउट पर ध्यान रख दीजिएगा, आप अपने हिसाब से ही बना लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बाइंडिंग सबसे पहले कर देता हूँ और बाइंडिंग क्लास को कॉल कर लेता हूँ। बाइंडिंग डॉट रूट पास कर देता हूँ और फिर उसके बाद यहाँ पे मैं एक ईमेल का वेरिएबल ले लूँगा जो स्ट्रिंग टाइप का होगा, और एक लेट इन और ऑथ ले लेते हैं और फायरबेस ऑथ कर देंगे इसको। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले ऑथ इज इक्वल टू फायरबेस डॉट गेट इंस्टेंट कर लेते हैं। फिर उसके बाद हम क्लिक लिस्नर लगाएंगे अपने बटन पे। इसको मैंने आईडी दे भूल गया, आईडी मैं दे देता हूँ इसको। तो मैंने इसको आईडी दे दिया, यहाँ पे मैं इसको आईडी दे दिया और ये ऑथ और डॉट सेंड पासवर्ड रीसेट ईमेल को कॉल करेंगे, ईमेल को पास करेंगे अपने। सबसे पहले तो हम ईमेल को स्टोर कर लेते हैं जो भी एडिट टेक्स्ट से ईमेल आ रहा है उसको अपने ईमेल में, और ट्रिम मेथड को कॉल करते हैं जिससे कि कोई स्पेस वेस्पेस रहेगी तो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं ईमेल एम्प्टी तो नहीं है। एम्प्टी है तो इसको एरर शो करा देंगे, एंटर ईमेल। ठीक है, और इसको रिटर्न कर देंगे। फिर उसके बाद इसके नीचे आएंगे और फिर हम क्या करेंगे यहाँ पे कि ऑथ को कॉल करेंगे और सेंड पासवर्ड उसे ईमेल करेंगे। ठीक है, ईमेल कर देंगे और सक्सेस लिस्नर लगा देंगे, फेलियर लिस्नर लगा देंगे, बस हो गया। और उसके बाद हम यहाँ पे अपने प्रोग्रेस बार को शो करा देंगे और बटन को ऑन कर देंगे।
view.com ठीक है। अब यहाँ पे हम अपने प्रोग्रेस बार को शो करा देंगे और जस्ट इसका रिवर्स हम ऐड ऑन सक्सेस लिसनर और फेलियर लिसनर में कर देंगे। तो यहाँ पे से हम व्यू कर देते हैं, इसको ऑन कर देते हैं, ठीक है। अब इसी को कॉपी करके मैं यहाँ फेलियर लिसनर में पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ एक एरर शो करा देंगे स्नैक बार से। एक स्नैक बार यहाँ पे शो करा देंगे जो हमें बताएगा कि ईमेल पे जो हमने किया है वो पासवर्ड रीसेट लिंक सेंड योर ईमेल, तो यहाँ पे से ईमेल एड्रेस, तो यहाँ पे ये शो करा देंगे। और यहाँ में कोई ईमेल अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पे डॉलर ईमेल को शो करा, ठीक है। ये हो गया, जो भी मेल एड्रेस है उसको ले लेगा वो। यहाँ पे हमारा कोड कंप्लीट हो चुका है, मैं इसको अपने डिवाइस के साथ एंड्रॉइड स्टूडियो को कनेक्ट कर लेता हूँ और फिर इसके बाद इसको हम रन करके देखेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा सेंटर पेरेंट कर देते हैं, ठीक है, ये थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। अब इसको मैं अपने डिवाइस को कनेक्ट कर लेता हूँ, तो मेरा डिवाइस कनेक्ट हो चुका है। अब मैं इसको रन करूँगा और अपन रन करके देखेंगे कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो इसको मैं रन कर दिया, तो हम देख लेते हैं हमारे फायरबेस कंसोल में जाके कि कौन सा यूज़र लॉगिन है इसमें लास्ट पर। तो ईमेल एड्रेस ले लेंगे हम वहाँ से इसका, ये वाला प्रोजेक्ट नहीं, ये वाला प्रोजेक्ट नहीं है, ये अपना लॉगिन वाला, ठीक है। तो इसके अंदर हम आके ऑथेंटिकेशन में जाके और देखेंगे, तो ये यूज़र लॉगिन है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में और ये हम अपने ऐप को ओपन रन करके ओपन हो चुका है। यहाँ पे अपना ईमेल डालेंगे और यहाँ पे करेंगे सेंड लिंक पे क्लिक, तो ये हमारा लिंक जो है सेंड हो चुका। मैं आपको अपना मेल जीमेल खोल के दिखा देता हूँ कि पासवर्ड रीसेट लिंक आया है कि नहीं आया। तो जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं पासवर्ड रीसेट लिंक आ गया है। अब मैं इसके ऊपर क्लिक करके अपने पासवर्ड को चेंज कर पाऊँगा, उसको मैं सेव करूँगा, नेवर कर देंगे यहाँ पे। और फिर उसके बाद मैं बैक हो जाऊँगा और अब लॉगिन करके देखूँगा। तो मैं ये लॉगिन मैं कर रहा हूँ और फिर उसके अपना पासवर्ड डाल दिया जो मैंने नया रीसेट किया है। अब ये लॉगिन हो चुका है, ठीक है। इस तरीके से पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं अपने।